वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल द सीतेश हियर। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है हेल्टोकोन रूबेला। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन डेटा लिख लेंगे, जिसके अंदर के नेम ऑफ स्टूडेंट, सब्जेक्ट, टॉपिक क्या है हमारा, मेथड ऑफ टीचिंग क्या यूज़ करने वाले हैं हम, क्लास कौन सी रहेगी, एवीएट्स क्या क्या यूज़ करेंगे हम, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने रहने वाले हैं, टाइम ड्यूरेशन कितना लगेगा हेल्टोक प्रेजेंट करने में, और किस डेट को हम हेल्टोक प्रेजेंट कर रहे हैं। डेट के बाद हम प्रीवियस नॉलेज लिखेंगे ग्रुप मेंबर्स की, भाई टॉपिक से रिलेटेड पहले से कितनी इन्फॉर्मेशन है ग्रुप मेंबर्स को, ठीक है। इसके बाद हम जनरल ऑब्जेक्टिव लिख लेंगे। जनरल ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, एक रूबेला के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन सभी को प्रोवाइड करवाना, ये हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या क्या हो जाएगा, एट द एंड ऑफ द लेक्चर या फिर एट द एंड ऑफ द हेल्थ टॉक द ग्रुप विल बी नो अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ रूबेला, डेफिनेशन ऑफ रूबेला, रिस्क फैक्टर्स ऑफ रूबेला, सिम्टम्स ऑफ रूबेला, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ रूबेला, ये हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिख लेंगे रूबेला से रिलेटेड। इंट्रोडक्शन क्या है इसका, इसे लिखने के लिए आप वीडियो क्वालिटी हाई कर लें और वीडियो पॉज करके आराम से लिख सकते हैं। ये इंट्रोडक्शन हो जाएगा हमारे रूबेला का। इंट्रोडक्शन के बाद हम डेफिनेशन लिख लेंगे रूबेला की। ये डेफिनेशन हो जाएगी हमारे। डेफिनेशन के बाद हम रिस्क फैक्टर्स लिख लेंगे कि कौन कौन से ऐसे कारण बनेंगे या रिस्क फैक्टर बनेंगे जिनकी वजह से रूबेला वाली कंडीशन देखने को मिल सकती है। ये रिस्क फैक्टर हो जाएंगे। रिस्क फैक्टर के बाद सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे, अगर किसी को रूबेला डिजीज़ हो चुकी है तो क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ये सिम्टम्स हो जाएंगे जैसे कि लो फीवर, कंजक्टिवाइटिस, सोर थ्रोट, हेडेक, फीलिंग अनवेल, रेसेस, स्वेलन लिम्फ ग्लैंड्स बिहाइंड ईयर एंड नेक, इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, ये सिम्टम्स हो जाएंगे, ठीक है। सिम्टम्स के बाद हम ट्रीटमेंट लिख लेंगे, भाई ट्रीटमेंट मेथड क्या क्या यूज़ करेंगे। ये ट्रीटमेंट मेथड्स हो जाएंगे। ट्रीटमेंट के बाद लास्ट में प्रिवेंशन, प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है, प्रिवेंशन के लिए MMR वैक्सीन लगाई जाती है, मीजल्स, मम्स एंड रूबेला, मेन तो इसका प्रिवेंशन वैक्सीनेशन ही है। इसके अलावा कुछ और मेथड दे रखे हैं, तरीके बता रखे हैं जिससे प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद लास्ट में हम बिब्लियोग्राफी लिख लेंगे, भाई हमने जो भी इन्फॉर्मेशन लिखी है तो कौन कौन सी बुक का रेफरेंस लिया है इन्फॉर्मेशन लिखने के लिए, हेल्टोक बनाने के लिए, ठीक है। ये बुक्स हो जाएंगी। इसके बाद नेट रेफरेंस हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्दी प्राप्त हो। धन्यवाद।